अस्सलामुअलैकुम जी। हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बिजनेस विद आबिद में खुश आमदीद। तो वीडियो में बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट्स और कॉल से मुझे पता चल जाता है कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। तो मेरी भी कोशिश है मैं इसमें अच्छा सा एक्सपीरियंस डालूँ, लोगों के व्यूज़ डालूँ, एक्सपीरियंस लेके इसको शेयर करूँ ताकि इससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके। बात वही होती है, वीडियो वही होती है जिससे अगले को फ़ायदा हासिल हो सके। मेरी भी यही कोशिश है कि आपको हकीकत से मबनी वीडियो बनाई जाए, ना कि उसमें ऐसा मवाद डालूँ जिससे आप बज़न हो के वीडियो को देखना छोड़ दें। आज का टॉपिक है मार्केट में अंडे का रेट। क्योंकि सर्दी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, स्कूल ओपन हो गए हैं, तो रेट डे बाई डे अप हो रहे हैं। इसी सिलसिले में मैंने वीडियो बनाने का आगाज़ दोबारा कर दिया है। मैंने कहा आपके साथ दोबारा इसको शेयर करते जाएं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके और आपको परचेजिंग में भी आसानी रहे। बहुत से दोस्त कॉल के ज़रिए ये मैसेज के ज़रिए रब्ता कर रहे हैं कि हम अंडे का कारोबार कैसे करें, किस तरीके से करें, उसको भी मुकम्मल गाइड और रहनुमाई दी जा रही है। तो मेरी कोशिश है इससे भी उसको बेनिफिट हासिल हो। सबसे पहले किसी भी काम में जाने के लिए उसका नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस ज़रूरी है। उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। अगर आपको मालूमात है, एक्सपीरियंस है, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। ये नहीं कि आपको उसकी सेंस नहीं है शॉर्टकट की, यूज़ की, तो आप आगे बढ़ने के लिए आ जाएँ। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है, मे भी किसी वजह से हो जाए, अदरवाइज ऊपर जाने के चांस नहीं होते। आपको ये नहीं पता अंडे की ट्रे में कितने अंडे होते हैं, एक पेटी में कितने अंडे होते हैं, अंडे का स्टॉक किस मौसम करना है, गर्मी में स्टॉक करना है या इन्वेस्ट करनी है। तो स्टॉक तो शेड वाले ही करेंगे, वो इस तरीके से स्टॉक नहीं करते भी आज ही अंडा उन्होंने लेके स्टॉक में रख दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। अलबत्ता वो उस पैसे को यूज़ करते हैं, जब सर्दी आती है फिर आपको वो अंडा मुहैया करते हैं। तो ये चीनी का स्टॉक तो ऐसे होता है, तो हम स्टॉक लेके रख लेते हैं। खल का, बहुत सी चीज़ों का स्टॉक ऐसे होता है, लेके अजनास रख लेते हैं, तो जब रेट पड़ते हैं फिर हम मार्केट में सेल कर देते हैं। ये इस हिसाब से नहीं किया जाता। इसको आप में सबसे पहले ये पता होना चाहिए अंडे का साइज़, ग्रामेज, और इसको कहाँ से परचेज करें, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। उसके लिए आपको किसी भी डीलर, किसी भी वेंडर के साथ काम करना होगा। एक महीना आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, शेड को पलटना कैसे है, अंडे को चेंज कैसे करना है, पेटी कैसे रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको, ये छोटा छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मालूमात होना ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने इलाके से मुतालिक रहें, किसी भी वेंडर के पास चले जाएँ, सप्लायर के पास चले जाएँ, तो उसको चाहिए भी हमें 15-20 दिन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दें ताकि आपको पता चल सके वो कैसे सप्लाई करता है, जाता कैसे है, गाड़ी कैसे चलाते हैं, उसकी कौन सी गाड़ी में रखते हैं, शेड कैसे बनाते हैं। इसी सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाई थी। एक दो दोस्त पूछ रहे थे हमें इस बारे में गाइड कीजिएगा, तो मैंने उनको कॉल के ज़रिए गाइड किया है, फिर डीलर से बात करवाई है ताकि जो चीज़ें हैं छुपी हुई वो सामने आ सकें। तो बढ़ते हैं आज के रेट की जानब। जो जो स्कूल ओपन हो रहे हैं, सरकारी दफातर ओपन हो रहे हैं, तो रेट भी बढ़ रहे हैं। देखा होगा पहले की नस्बत अंडे की सेल भी बढ़ रही है और मुहैया भी नहीं हो रहा। लिस्ट के मुताबिक सेल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लिस्ट की जानब बढ़ते हैं तो 297 रुपये दर्जन का रेट आ गया है मार्केट में। 20 अगस्त का जो रेट लिस्ट है 297 रुपये आ गया है, फिर दर्जन 12 पीसेस का रेट। अगर हम पेटी की जानब बढ़ते हैं तो पेटी का रेट है 8790 रुपये, तकरीबन 8800 के करीब पहुंच गया है रेट। यही रेट आप 1.5-2 माह पहले मेरी वीडियो उठाए उसमें दिखेंगे 7000 के करीब था, अभी 2000 का फर्क तो यहीं पे आ गया। इससे आप इजाज़ा लगा लें कि अंडे का रेट नेक्स्ट क्या होगा। नवंबर और दिसंबर में भी हो सकता है 1000 का तो ऊपर जा सकता है, 10000 के करीब अंडा सेल होगा।
ये मेरे व्यूज़ हैं, इससे ऊपर भी जा सकता है। जिन्होंने परचेज कर लिया, जिन्होंने डीलर से बात कर ली है, जो ऑलरेडी इस काम से मुंसलिक है, तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। वो देखेंगे मेरी वीडियो से उसको कितना फ़ायदा मिलता है, तो फ़ायदा उठाते रहें, नॉलेज हासिल करते रहें, इसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक करते रहें, दुआ में याद रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आज का टॉपिक भी बड़ा अहम टॉपिक था, ये फार्मी अंडे की बात की है हमने, फार्मी अंडे ही खेल हो रहा है, देसी की तो बात हम करते नहीं। वो भी किसी दिन हम उस मौजू पे चलेंगे, वो भी बात करेंगे आपसे। तो दुआ में याद रखें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।